सर अब देखिए, जहाँ तक इंजीनियर रशीद साहब के ख्याल का ताल्लुक है, ये तो उनका जहन है ना, हम उसमें कोई तबसरा नहीं करना चाहते। जो मुझे उन्होंने बताया वो तो मुबारक, बाकी हम हर एक पॉलिटिकल पार्टी को आज़ादी है तो अपने तौर पर काम करें, अपने तौर पर लोगों से जुट जाए और काम ग्राउंड पर हो रहा है। तो अपनी पार्टी को कैसे देखते हैं आप पूरे जम्मू कश्मीर में? लेकिन जहाँ तक जम्मू कश्मीर का ताल्लुक है, आपकी पार्टी एक मुतबादिल की हैसियत से इसका पहला मामूल बनाया गया और इसमें काफ़ी हमने पेशरफ्त हासिल की और इंशाल्लाह अल्लाह ताला से यही उम्मीद है और फिर यहाँ के लोगों से यही उम्मीद है कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा मजबूती मिलेगी। शुक्रिया। और कुछ जानना चाहिए? ये नॉमिनेशन भरना बड़ी अच्छी बात है, खुशी की बात है मेरे लिए। एक पार्टी ने मुझे इस काबिल समझा कि मैंडेट दिया, बड़ा अच्छा लगा यहाँ पे फॉर्म भर के। तो आप कैसे देखते हो अपने आप को? बारामूला में अपनी पार्टी मजबूत है, अच्छा रिस्पांस है, जो मैं जा रहा हूँ फील्ड में अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, एक्सपेक्टेशन से भी ज्यादा, और जो और कैंडिडेट है उनसे मुझे अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, क्योंकि लोगों ने बहुत सारे लोगों को देखा यहाँ पे एकदार में एज एमएलए, तो उन्होंने क्या किया आज उसका वो खमियाजा भर। अच्छा, आप एक डीडीसी भी है और आपका जो इलाका जो रफियाबाद में पड़ता है, तो आप ये मुझे बताइए कि जो अपनी पार्टी है वहाँ पर का कैंडिडेट है, क्या जो आपके वोटर जो आपने डेवलपमेंट काम किया है वो वहाँ पर रागिब होंगे अपनी पार्टी से? इंशाल्लाह होंगे आने वाले टाइम, जब 4 तारीख को आपको पता चलेगा, 8 तारीख को आपको पता चलेगा कि रफियाबाद के वोटरों ने क्या फैसला लिया। इंशाल्लाह इंशाल्लाह हम बारामूला से भी और रफियाबाद से भी दोनों सीटें निकालेंगे, उम्मीद है इंशाल्लाह अल्लाह तबारक तआला के फज़ल करम से। कोई पैगाम अपने जो आपके कॉन्स्टिट्यूएंसी के जो लोग हैं उनके लिए क्या? हाँ, बारामूला में जो मैंने देखा, बारामूला में बिल्कुल कुछ नहीं, हमारा ओल्ड टाउन बिल्कुल खस्ता हालत है और मेरी प्रायोरिटी रहेगी इस टाउन को संवारने की, क्योंकि ये टाउन जो है डिस्ट्रिक्ट का चेहरा होता है, उसको संवारना नहीं गया, मेरी कोशिश रहेगी इसको संवारने की। और एक बात, यहाँ का जो ट्रेड है बिल्कुल खत्म हो चुका है, मैं इंशाल्लाह जीत के बाद तमाम ट्रेडर्स के साथ बैठ के इस ट्रेड को कैसे हम ऊपर उठाएं, मैं उसकी भी कोशिश करूंगा। और एक बात, यहाँ पे मैक्सिमम जो हमारे यूथ नौजवान जो है उनको 12-12, 13-13 पर्चे लगे हैं, जो कि हमारी पार्टी का मंशूर है कि हम एक आम माफी देंगे एफिडेविट पे, और मेरी कोशिश हो गई इंशाल्लाह इंशाल्लाह अल्लाह तबारक ताला के फजल करम से अगर लोगों ने मुझे मैंडेट दिया तो असेंबली में मेरे यही सवाल होंगे सब प्रायोरिटी पर। थैंक यू सर। मैं तो पीडीपी में था, मेरे जितने भी साथी हैं जो पीडीपी में थे आपने देखा है हम सबों ने रिजाइन किया है। बेसिकली पीडीपी को 2-4 जो लड़के हैं और यहाँ खासकर बारामूला और सोपोर में उन्होंने वो यर्गमाल की थी, तो हमने समझा था जब हमारे प्रेसिडेंट फ्रूट मंडी काका जी उसको मंडेट नहीं दिया तो मैंने रिजाइन किया। मैंने कहा ये हमारा बड़ा है, ये इसके साथ खेल आज खेल रहे हैं तो मेरे साथ क्या है। मैंने समझा कि बेसिकली मुझे भाई अच्छा है जो यावर साहब है, इससे बेहतर है अपने ही बर्तन धोने पर है कि नहीं। तो आपके जॉइनिंग से एक तहलका मच गया पूरे रफियाबाद, इंशाल्लाह रफियाबाद में तहलका मच जाएगा, वो तो आपने देखा है जब हमने ज्वाइन किया है रफियाबाद में, कल आपने देखा है लोगों का जो सैलाब देखा है, ये इस बात की इक्कासी कर रहे हैं कि इंशाल्लाह रफियाबाद की जीत कल ही हमने दर्ज की है। और शबीर साहब ने जो फार्म आज भरा है और रफियाबाद जो बारामूला के साथ मर्ज हुआ है तकरीबन 21,000 वोट, इंशाल्लाह मुझे लगता है एक एक वोट वो रफियाबाद का शबीर साहब के बल्ले पर इंशाल्लाह 8 तारीख को पड़ेगा। और खासकर बारामूला वाले जो हैं और इनको आज तक रिप्रेजेंटेशन नहीं मिली है, जो यहाँ के एमएलए रहे, यहाँ के मिनिस्टर रहे, वो जो यहाँ के मिनिस्टर रहे और एमएलए हैं उनको एरोगन बहुत है,
और वो खासकर मैं उनसे कहना चाहता हूँ, आपके जरिए से कहना चाहता हूँ, आम लोगों को वहां मुलाकात ही नहीं मिलती है। ये वो शिविर साहब है, जब मुझे ये मिले, ये तो एनसी में थे, मैं तो पीडीपी, मैंने कहा ट्रांसफर दे दो, दो ट्रांसफर उसने मेरे कहने पे दिए। ऐसा बंदा बारामूला को कहीं नहीं मिलेगा। और बारामूला वालों से मेरी यही अपील है, जो मेरे हमदर्द है, इसके हमदर्द है, बैट को निशान डाले और शबीर साहब को कामयाब कीजिए, और इंशाल्लाह रहमान शबीर साहब के हाथ मजबूत हो जाएंगे। यही बारामूला के लिए बेहतरीन है।